पाकिस्तान के अंदर नई होंडा सिविक का जो RS वेरिएंट आया है उसके अंदर उन्होंने होंडा सेंसिंग का फीचर दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगी और कुछ इस तरह के एडास की फीचर उस गाड़ी में आपको दिए गए हैं, जो कि होंडा सिविक का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। लेकिन आपको उस गाड़ी की प्राइस पता है, करोड़ रुपये से ज़्यादा की वो गाड़ी है। और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये गाड़ी सेम वैसे ही फीचर्स आपको ऑफर करती है, बल्कि उससे भी फीचर्स के मामले में ये गाड़ी बहुत आगे है। और प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो इसकी प्राइस 4 मिलियन से भी कम है, यानी कि होंडा सिविक की प्राइस में आप इस तरह की 4 गाड़ियां रख सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग बात। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे, और ये है होंडा एनबॉक्स कस्टम 2020 मॉडल टर्बोचार्ज इंजन के साथ ऑटोमेटिक। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे, और मुझे यकीन है कि इस गाड़ी को तफसील से देखने के बाद पाकिस्तानी गाड़ियों को टोयोटा करोला, होंडा सिविक, इस तरह की गाड़ियों को आप भूल जाएंगे। एक और चीज़ के ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, और दूसरी ब्रांच रावलपिंडी GT रोड पर DHA Phase 2 Gate 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहाँ पर भी आप विजिट करेंगे ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। आपके जो सीक्वेंशियल इफेक्ट वाले इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये इस वक्त मॉडर्न गाड़ियां जो आ रही हैं, जर्मन गाड़ियां जो कि 1.5 करोड़ से ऊपर के बजट के अंदर होती हैं, या जापानीज गाड़ियां जो भी करोड़ रुपए से ऊपर के बजट के अंदर हैं, उनमें आपको ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक 660 cc गाड़ी है टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ, और उसमें आपको न सिर्फ LED लाइट्स दी जाती हैं फ्रंट पर तमाम लाइट्स के लिए, बल्कि इसके इंडिकेटर्स भी सीक्वेंशियल इफेक्ट के साथ आते हैं। DRLs LEDs में हैं, लो बीम हाई बीम कंप्लीट आपको LED के अंदर मिलती है। इसके साथ साथ फ्रंट पर आपके पास एक खूबसूरत किस्म की ग्रिल है क्रोम की कॉम्बिनेशन के साथ, और होंडा का बैच भी मौजूद है। और यही नहीं, इस गाड़ी के अंदर आपको LEDs के अंदर फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जो कि इसके बम्पर के ऊपर मौजूद है। इसके साथ आपको इसमें क्रोम ट्रिमिंग का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो फ्रंट से इस गाड़ी की लुक अगर देखेंगे आप, तो ये बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही अग्रेसिव किस्म की, और इसकी लाइट्स की शेप फ्रंट साइड से आप देखें तो ये बड़ी गुस्से वाली और बड़ी अग्रेसिव है, बड़ी मजे की नजर आती है। उसके अलावा आईब्रो स्टाइल में ये जो सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं, ये भी काफी मजेदार हैं। इस गाड़ी की एक और खास बात भी ये है कि ये गाड़ी सुपर स्पेशियस किस्म की है, और अगर इसको आप कंपेयर करें सुजुकी एवरी के साथ, डायहाट्सो की ट्राई आती है उसके साथ, तो ये गाड़ी उनसे बहुत आगे की चीज है। मतलब फीचर्स तो आगे जाकर हम इसके डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इस गाड़ी की जो स्पेस है, जो इसका कैबिन है, बहुत स्पीशियस किस्म का है, और मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली साइज के लिहाज से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं सुजुकी एवरी के साथ, और ये देखें आप। और इसी तरह रियर साइड पर आपको ये गाड़ी ऑफर करती है सुपर स्पीशियस किस्म का कैबिन, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस तरीके से। सो इसके बारे में हम इंटीरियर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। रिम्स की बात करते चलें तो अलॉय रिम्स आपके पास प्री इंस्टॉल्ड हैं, और अगर मैं इसके टायर के साइज की बात करूं तो ये 14 इंचेस के रिम्स हैं, 155/65 इसके टायर का साइज आ जाता है। फ्रंट पर ये गाड़ी आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है, और इसके साथ साथ मैकपर्सन स्टड सस्पेंशन ऑफर करती है। उसके अलावा साइड पर आपको इसके फेंडर के ऊपर करेक्टर लाइन नजर आएंगी, ऊपर आपको एक शोल्डर लाइन नजर आएगी जो कि डोर लाचेस के बीच में से चलती है, और उसके अलावा इसके आपको साइड मिरर्स जो हैं ये मिल जाते हैं पिलर माउंटेड, बट इनके अंदर आपको LED इंडिकेटर मिल जाएगा, और ये बॉडी कलर्ड होते हैं। ये गाड़ी आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम तो ऑफर करती ही है, यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इस गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे, और साइड प्रोफाइल इसकी कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी। उसके अलावा बैक साइड पर ये आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है, बट रिम्स बहुत शानदार हैं, बहुत ही मजे के हैं। और गाड़ी की अगर रियर लुक्स की बात करते चलें तो बैक साइड से आपको वर्टिकल लाइट्स की शेप है जो कि बहुत ही मजेदार नजर आएगी, और कंप्लीट LED लाइट्स ये गाड़ी रियर साइड से आपको ऑफर करती है, जिसमें इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं, पार्किंग लाइट्स हैं और ब्रेक लाइट्स हैं। उसके अलावा रियर व्यू कैमरा आपके पास प्री इंस्टॉल्ड है। रियर जो इसकी ये डिग्गी है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्शन के साथ आती है, मतलब लैच वाला सिस्टम नहीं है। बैक पर आपको कस्टम की ब्रांडिंग मिल जाएगी। सो ये गाड़ी इस तरह की है कि जो आपको तमाम लग्जोरियस फीचर ऑफर करती है जो कि बड़ी गाड़ियों के अंदर आपको मिलते हैं। उसके अलावा टॉप पर स्पॉयलर के ऊपर हाई माउंटेड LED ब्रेक लाइट आपको मिल जाएगी। सो आइए, क्योंकि असल फीचर्स तो इसके इंटीरियर के अंदर हैं, तो उनको जरा हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो आप इसके डोर का साइज देखें, ह्यूज किस्म का डोर है, और एंट्रेंस देखें आप इसकी, तो बहुत ही बड़ी एंट्रेंस है, इवन कि आप स्टैंडिंग पोजिशन में भी गाड़ी के अंदर आराम से दाखिल हो सकते हैं। सो
इंटीरियर के बारे में अगर डिटेल में बात कर ली जाए तो ये गाड़ी आपको एक 3-स्पोक स्टीयरिंग ऑफर करती है, जिसके अंदर होंडा का बैज जिसके ऊपर मौजूद है, SRS एयरबैग आपको दिया जाता है, और इसके साथ साथ ये स्टीयरिंग व्हील ना सिर्फ मल्टीमीडिया है बल्कि ये गाड़ी आपको एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है, जिसको आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। लेन कीप असिस्ट ऑफर करती है और मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको इसमें दिया जाता है। इसके साथ साथ ये स्टीयरिंग एडजस्टेबल भी है, तो आप इसको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मली 660 सीसी गाड़ियों के अंदर रेव काउंटर आपको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको रेव काउंटर भी दिया गया है, क्योंकि इसमें 660 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन आपको मिलता है जो कि 8000 RPM तक रेव करता है, और पावर के मामले में तो ये गाड़ी ऑसम किस्म की है और आपको शानदार किस्म की पावर डिलीवरी ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा, ऊपर इसमें आपको एक एयर वेंट मिल जाएगा। अब क्योंकि ये गाड़ी हाइटेड है और इसका साइज बहुत ही ह्यूज है, तो इसमें आपको डिफरेंट जगहों पर आप देखें अगर फ्रंट पर भी बहुत ही बड़े बड़े क्वार्टर पैनल्स मिलते हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी, और इन क्वार्टर पैनल्स को इनकी डीफॉग इनकी फॉग हटाने के लिए यहाँ पर आपको एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, और यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं। नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें बैक वाला इलेक्ट्रिकल डोर आपको मिलता है, उसको ओपन या क्लोज आप यहाँ से करेंगे। इंजन स्टार्ट स्टॉप नीचे है, और उसके साथ आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, नीचे आपको लेन कीप असिस्ट मिल जाएगा, और उसके साथ एंटी कोलिजन सिस्टम का ऑप्शन आप यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अच्छा जी, लेफ्ट साइड पर आ जाएंगे तो यहां पर आपको एक एयर वेंट सर्कुलर शेप के अंदर मिलता है जो कि काफी मजेदार है। इसके ऊपर क्रोम की कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएंगे, और यहां पर आपको इकॉन का बटन मिलता है, सो इसमें इसको आप इको आइडल ऑन ऑफ करके भी चला सकते हैं। और इसके साथ यहां पर आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करने का बटन है, तो यहां से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करेंगे। सो माइलेज की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी चली भी है जी 51,197 किलोमीटर्स, तो तकरीबन आप इसको 51,000 किलोमीटर्स ही समझ सकते हैं। ये आपको इसमें ऑडियो सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, और इसके साथ साथ पीछे अगर आप आ जाएंगे तो इसमें हेडलाइट स्विच है, और इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सो तमाम तर ऑपरेशंस एक बटन से परफॉर्म होते हैं, आप जस्ट ऑन कर दीजिए और इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर को सेंस करते हुए ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसी तरह आप यहां से अपनी मर्जी से भी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिफॉगर को एडजस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको साइड मिरर्स भी हीटेड वाले मिलते हैं, सिंपल वाले नहीं मिलते, और इसके साथ साथ इसमें आपको सीट्स भी हीटेड वाली मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे आपको दो पावर आउटलेट्स मिलती हैं जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, और ये USB पोर्ट्स हैं 2.5 एम्पीयर्स की, तो दो आप इससे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, और ये फास्ट चार्जिंग के साथ आती है, और एक सिंपल USB पोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा मेन ग्लव बॉक्स आपको मिल जाएगा, यहाँ नीचे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, और उसके नीचे एक टो हुक टाइप की चीज़ आपको मिलती है, तो इसके साथ आप कोई भी सामान वगैरह लटका सकते हैं, और ये आपका बेसिक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आ जाता है। स्टोरेज स्पेस के लिहाज से तो ये गाड़ी जो है किंग है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जगहों पर स्पेस मिलती है, या आप पूरी की पूरी ट्रे देख सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, नीचे ग्लव बॉक्स है आपके पास, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। उसके साथ साथ CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है, वहां पर आपको दो एयर वेंट्स मिल जाएंगे, और इंटीरियर अगर आप इसका देखें तो आपको वैसे तो ब्लैक नजर आ रहा होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट जगहों पर ग्लॉसी पैनल्स यूज हुए हैं, जैसा कि यहां पर आप देखें तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ग्लॉसी फिनिश के अंदर है, इसी तरह स्टीयरिंग व्हील पर ग्लॉसी कॉम्बिनेशन है यहां पर, तो काफी मजेदार इंटीरियर है। और मेन जो चीज है वो है इस गाड़ी की सीट्स, सो यहां पर आपको कोई पार्टीशन नहीं मिलती, एक बेहतरीन किस्म की सोफा सीट्स आपको फ्रंट पर मिलती हैं जिन पर आप सुपर कम्फी होकर बैठ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको आर्म रेस्ट भी मिलती है, और क्योंकि यहां पर कोई गियर नॉब नहीं है, हैंड ब्रेक नहीं है, हैंड ब्रेक के लिए आपको फुट ब्रेक मिलती है बिल्कुल वहां पर, जिसको आप यहां से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं पांव से। सो ये पूरा एरिया जो है बिल्कुल फ्लैट है, यहां पर आप कंफर्टेबल तरीके से तीन बंदों को बिठा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर दरवाजों की बात करते चलें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इस गाड़ी के अंदर आपको ह्यूज किस्म के दरवाजे मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं, एक ऊपर है और एक स्पीकर ग्रिल आपको नीचे मिलेगी, और इसके साथ साथ विंडोज़ के बटन्स आपको मिल जाएंगे, ड्राइवर विंडो ऑटो है, सेंट्रल लॉकिंग है, और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको इसमें मिलते हैं, और इसके अंदर आपको रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है। सो ये सारी ऑप्शंस हैं, और मज़े की बात यह कि इसमें आपको ना सिर्फ स्टीयरिंग पर और डैशबोर्ड पर एयरबैग्स मिलते हैं, बल्कि अगर आप यहाँ पिलर्स के ऊपर देखेंगे तो यहां पर भी आपको इसमें एयरबैग का ऑप्शन दिया जाता है, तो मल्टीपल एयरबैग्स ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। ह्यूज किस्म के सनशेड्स हैं जिनके ऊपर आपको वैनिटी मिरर्स मिल जाएंगे, ना सिर्फ एक साइड पर बल्कि दोनों साइड्स पर। इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग आती है, ये आप ऑटो डिमिंग इसमें आपको दी जाती है, तो आपको मैनुअल तरीके से डिम हाई करने की जरूरत नहीं है,
उसके अलावा यहाँ पर एयरबैग्स का आपको वार्निंग दी जाती है। रूफ इसका इंतहाई ऊंचा है, और अगर मैं इसके हेड स्पेस की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं, मतलब 6 फुट को तो छोड़ें, 7 फुट तक की कभी बंदा हो तो उसका सर जो है छत के साथ टच नहीं होगा। हेड स्पेस के मामले में ये गाड़ी बिल्कुल विनर है, और इसके साथ साथ लेग स्पेस का कोई इशू नहीं है। आइए जरा रियर साइड पर चलते हैं और इसकी रियर लेग स्पेस भी मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ ही रियर सीट्स का कम्फर्ट भी देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो बैक साइड पर अगर आप देखेंगे, ड्राइवर सीट मैंने काफ़ी पीछे की हुई है, उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा लेग स्पेस है कि आप यहाँ पर आराम सुकून से टांगें फैला कर बैठ सकते हैं, मतलब सुकून से आप इसमें सफ़र कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बैक पर भी आपको सोफ़ा सीट्स ये गाड़ी ऑफर करती है, इनमें आपको आर्म रेस्ट दी जाती हैं, तो आप आराम सुकून से रियर साइड पर इसकी सीट्स के ऊपर बैठ सकते हैं, और प्लस ये फोल्डेबल होती हैं, तो इस तरीके से आप इनको कंप्लीट फोल्ड करते हुए इसको एज अ कार्गो वैन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सो ये देखें, फुल इसका फ्लैट बेड बन जाता है, और ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल चीज़ है। और अगर आप इस गाड़ी को देखें तो प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ये गाड़ी सुपर स्पीशियस है, सुपर लग्जोरियस इंटीरियर एक्सटीरियर आपको ऑफर करती है। और मेरे ख्याल से अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो इसको चलाकर आप सही मानों में इस गाड़ी को इंजॉय करेंगे, ऐसी मज़ेदार गाड़ी है। डिग्गी वाली स्पेस ज़बरदस्त है, सीट्स बहुत मज़े की हैं, और ये ऊपर भी आप कर सकते हैं, तो इनको इस तरीके से अगर फोल्ड करना चाहें तो आप इस तरह से भी इसको इसकी सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। और ये है जी इसका इलेक्ट्रिकल डोर, तो आपने सिंपल इसको एक बार लैश को ओपन करना और ये इस तरीके से ओपन होगा, और आप किसी भी पैसेंजर को आराम सुकून से यहाँ पर बिठा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर क्लोज करना है तो एक बार इस लैश को खींचिए इस तरीके से, और ये जो है इलेक्ट्रिकली क्लोज हो जाएगा, और ये सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ आता है, इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा बूट स्पेस इसकी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी आपको शानदार किस्म की बूट स्पेस ऑफर करती है। ये पूरा का पूरा इसका जो डोर है ओपन हो जाता है, उसमें हाइड्रोलिक शॉक्स आपको मिलते हैं, और बूट स्पेस आपको डिसेंट किस्म की ऑफर करती है ये गाड़ी सीट्स ओपन होने के बावजूद। और इसके साथ साथ लेग स्पेस का तो इसमें मतलब लाजवाब किस्म की लेग स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। सो इसे हम क्लोज कर लेते हैं। सो ये था आज का रिव्यू होंडा एनबॉक्स कस्टम 2020 मॉडल का, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, होंडा एनबॉक्स कस्टम 2020 मॉडल है, 23 की इम्पोर्ट है, और इसकी आस्किंग प्राइस है 38 लाख रुपए। साइकिल मोड स्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है, अगर इसे खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें।